पास में। हेलो फ्रेंड्स, मनस्वी ब्लॉग से डॉक्टर रेखा बोल रही हूँ। ये बच्चे आए डेंटल कैरीज लेके। कैसा लग रहा आप लोगों को डेंटल क्लिनिक में आके? डर तो नहीं लग रहा? पास में आ, डर नहीं लग रहा? आपका नाम? हिमांगी। आपका नाम? मानवी। इनके देखो छोटे छोटे दांत हैं, अभी मतलब पूरे दांत निकले ही नहीं है। इसको हम मिक्स डेंटेशन कहते हैं, डेंटल कैरीज है इनके मुंह में, और इसको हम प्रिकॉशंस देने जा रहे हैं। इसमें अभी हम टेम्प्रेरी मसाला भरेंगे ताकि इनके दांत अच्छे से निकल जाए। क्योंकि टेम्प्रेरी इसलिए भर रही हूँ मैं कि नीचे है ना टेस्ट बर्ड्स निकल रही है इनकी, मतलब दूसरे दांतों की बर्ड्स निकल रही है इसलिए। और एक्सरे भी मैं दिखाना चाहूंगी आपको। आइए। अच्छा मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? देखिए यहाँ पे डेंटल कैरीज लगी हुई है। इस जगह देखिए मेरा ये जो चल रहा है, यहाँ पे ये गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे इनके डेंटल कैरीज है। तो मैं इन दोनों दांतों के बीच में टेम्प्रेरी मसाले को भरूंगी। क्योंकि टेम्प्रेरी इसलिए भर रही हूँ, ये नीचे आप देख रहे हैं ये शेडोज़, ये नए दांत हैं, तो इसलिए मैं टेम्प्रेरी डालूंगी। यही प्रिकॉशंस होता है। और बच्चे जब भी डेंटल क्लिनिक में आए उन्हें हमेशा फ्रेंकली और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत फूविया होता है डेंटल हॉस्पिटल का। तो मेरे बच्चे खुश है? देखिए गाइस, आज डिनर में मैं क्या ये मैंने काट ली है लौकी और चने की दाल है। देखिए इसमें लौकी और चने की दाल बना रही हूँ। ये टमाटर काट लिया है, थोड़ा सा इधर लहसुन डाला है तो लहसुन भी डालूँगी थोड़ा सा। तो अब चलिए हम इस कुकर में लेते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, जो कि मात्र हमें थोड़ा सा लेना है। कि ले लिया सरसों का तेल, इसमें हम जीरे और हींग का तड़का लगाऊंगी। और जब सब्जी बन जाएगी तब मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पकड़ने वाला कैमरामैन कोई नहीं है। तो गाइस आप लोग ऐसे ही मेरे साथ रहा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। देखिए गाइस तेल हो चुका है और मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा। आप लोग नहीं देख पाएंगे, सॉरी ऑल ऑफ यू। यही बाबा रामदेव वाली पतंजलि की ये डल गई थोड़ी सी हींग, पिंच ऑफ आशा पटीडा। और अब डालने जा रही हूँ मैं लहसुन, ये गया लहसुन ठीक। और साथ में ही डाल दूंगी मैं टमाटर और एक हरी मिर्ची काटी है वो डाल दूँगी। सारे मिर्च मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच में डाल रही हूँ इसमें मिर्ची और थोड़ा सा आधे से कम हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर ये डाल दिया। नमक हमेशा मैं मसालों से अलग रखती हूँ, एक वास्तु दोष होता है, नमक को हमेशा मसालों से दूर रखना चाहिए। तो नमक हमेशा इसमें रहता है तो ये डाल देंगे नमक थोड़ा सा। आशा करती हूँ आप सब लोग मेरे इस ब्लॉग से बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये ब्लॉग मैं बहुत खुशी खुशी बना रही हूँ आप लोगों के साथ एंजॉय करते करते। ये सब हो चुका है और अब डालने जा रही हूँ ये सब कटी हुई लौकी और दाल को हम डाल देंगे इसमें। ये डाल दिया मैंने, थोड़ा सा पानी रह गया था, दाल को इसमें डाला है। सब्जी ज्यादा है तो सुबह के भी काम आ जाएगी, इसको मैं हॉस्पिटल के टिफिन में भी ले जाऊंगी।
थोड़ा सा मसाला वगैरह कम रह जाएगा तो ऊपर से मैं इसमें तड़का भी दाल बनके तैयार हो जाएगी 10 मिनट में। फिर मैं आटा गूंथूंगी, रोटियां डाल दूंगी। बहुत सिंपल सिंपल काम होते हैं घर के, और जब अपने हाथ से बना हुआ खाना मिले बहुत थकने के बाद तो बहुत मज़ा आता है। गाइस, मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ। जैसा कि मैं YouTube पे देख रही हूँ, बहुत सारी स्टोरियाँ मेरे सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जिसके चैनल पे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लोग उसी से दोस्ती करेंगे, उसी के साथ रहेंगे। इवन पता है, ज़्यादा सब्सक्राइबर वालों की शादी भी अच्छी हो जाती है। अब मतलब यारी दोस्ती रिश्ते नाते सब्सक्राइबर और चैनल को देख के होंगे। पता नहीं कैसा मॉडर्न ज़माना आ रहा है कि इंसान यहाँ YouTube पे अपने रिश्तेदारों को अपना नहीं मान रहा, जिनको जानता नहीं, जिनकी हाल फिलहाल में दोस्ती हुई है, वो आपसे आपके व्यूज़ लेने के लिए काम कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, और आप उसके साथ मिलके उसके व्यूज़ लेने के लिए, पब्लिसिटी करवाने के लिए उसके साथ मिल गए। तो मुझे लगता है कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए मुझे भी सब्सक्राइबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मेरे रिश्ते वापस मिल जाएं, यारी दोस्तियाँ हो जाएं लोग बागों से। जोक है मेरी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं 90% हकीकत भी यही है कि आप जिनको जानते नहीं हैं, मैं देख रही हूँ आजकल यूट्यूब पे, मेरी जान है और बहुत सारे दिल के रिश्ते हैं जो कि अटूट हैं। भैया, आप दिल के रिश्ते बनाना चाहते तो अपने अपनों के साथ बना लो ना, जिन्होंने आपको बचपन से देखा है, आपकी हर मुसीबत में खड़े होते हैं। आपके घर में कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो गई या कोई बीमार है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्यों रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए ऐसे बड़े यूट्यूबरों के पास कॉल कर लिया करो। क्यों नहीं आ गए 1 महीने तक? क्यों मम्मी जी को अपने पास रखा? उन्हीं को बुला लेते जिनसे अटूट रिश्ते हैं। क्यों नहीं आया आप तक? क्यों नहीं झांके वो लोग? क्यों? सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, ठीक है? एक रिश्तेदार ही दूसरे रिश्तेदार के लिए सब कुछ छोड़ के आ सकता है, यूट्यूब वाले नहीं। तो इसलिए यूट्यूब से ज़्यादा अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, मुझे ऐसे लगता है। ये मेरी ओपिनियन है जो मैं इस यूट्यूब पे अपनी ओपिनियन रख रही हूँ, मैं किसी को कह नहीं रही, लेकिन ये चीज़ मैंने महसूस करी है कुछ महीनों में कि जिनको आप जानते भी नहीं, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, वो आपके लिए दिल के रिश्ते हो गए। जिनको आप जानते हैं, जिनकी कंडीशन आप जानते हैं, जिनको मरता हुआ आप देख रहे हैं, जिनको टूटता हुआ आप देख रहे हैं, उनको बुरा बना दिया, विलेन बना दिया। देखिए गाइस, है ना, मुझे थोड़े थोड़े खाने की ना क्रेविंग होती है, तो हेल्दी फूड होना चाहिए। तो मैं थोड़े से मखाने भून रही हूँ और इसके बाद मैं एक चिलवे वाली नमकीन भी बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़े ज़्यादा हो गए थे मखाने, तो थोड़े से इसमें निकाल लिए, इनको भी भूनूँगी। पहले ये भून जाएंगे, जब ये भून जाते ना तो ये इनकी एक साउंड है ना अलग ही हो जाता है, मैं आपको उसको तोड़ के बताऊंगी। और मखाने बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम की कमी, बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। और जब भी खाने की कुछ क्रेविंग होती है ना, जैसे 12-1 बजे करीब या 3-4 बजे करीब, तो मैं इन्हीं मखानों में से ले लिया करूंगी और कुकू को भी मैं खाने को देती हूँ। तो इनको ऐसे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए, ये हमारा नारा होना चाहिए। तो मेरा फेस थोड़ा मोटा है, जैसे मैं खुद मोटी नहीं हूँ इतनी, फेस है अप्पा सा।
कम करेंगे इसको भी। देखिए गाइस, ये वाली साउंड आ रहा है ना, इसका मतलब ये सीख गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं इनको पिछले 4-5 सालों से सेक रही हूँ। जब भी हमारा स्नैक्स ख़त्म होता है तो मैं ये सेकती हूँ। ये सिका हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे हो जाता है, ये सूख चुका है यानी कि, है ना। गैस मैंने बंद कर दिया क्योंकि इसमें हीट है, वो भी प्रोड्यूस होगी तो और अच्छे भुन जाएंगे। और गैस बंद करने के बाद इन्हें थोड़ी बहुत देर रुक के चलाते रहिए, क्योंकि है ना ये लाल हो जाते हैं पड़े पड़े इस कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई गर्म है इसलिए। तो और अगर घर में कोई बड़ी परात हो तो इनको निकाल लें उसमें। तो मेरे घर में इतनी पर बड़ी परात मेरे पास है नहीं, तो मैं बीच बीच में जब तक ये ठंडे होंगे चलाती रहूँगी। और देखो, नमकीन के लिए मैंने थोड़ी सी ये भून ली है मूँगफलियाँ, इनके छिलके में हटाऊँगी सबके। इसको भी मैं चलाती रहूँगी, ये पड़े पड़े इसमें लाल ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे इनको चलाती रहूँगी। देखो ये गोल्डन से हो गए, तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन गए। इनको खाने में बहुत मज़ा आता है, पॉपकॉर्न जैसे लगते हैं। थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के इनको भून के रख लेना चाहिए। इनको व्रत में भी खा सकते हैं। ऐसे